नमस्कार, सलाम। न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। हमारे इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेघालय और नागालैंड में सोमवार 27 फरवरी को वोट होने जा रहा है। चुनाव का प्रचार बिल्कुल अंतिम चरण में है। आज जब हम शनिवार 25 फरवरी को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हमारे साथ मेघालय और नागालैंड पर बात करने के लिए हमारे पूर्वोत्तर के साथी, हमारे रिपोर्टर संदीपन तालुकदार हमारे साथ शामिल हैं, मौजूद हैं। मैं सीधे उनके पास जाऊंगा बिना किसी भूमिका के। संदीपन, मैं आपसे पूछूंगा, अब 27 यानी सोमवार को वोट पड़ने जा रहा है, 2 मार्च को मतगणना होगी, इस 27 फरवरी तक किस तरह का आपने पैटर्न देखा? रैलियों का दौर रहा, रोड शो रहे, शुक्रवार को प्रधानमंत्री पहुंचे मेघालय नागालैंड, तमाम तरह की राजनीतिक हलचल, उसका प्रचार, उसका तापमान कहां तक पहुंचा और कैसा माहौल राजनीतिक तौर पर आप वहां दोनों राज्यों में देख रहे हैं, बारी बारी बताइए। मुकुल जी शुक्रिया। पहले मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में आप मामला ऐसा है कि जो समय में आ गए हम लोग, क्योंकि एक दिन के बाद चुनाव होना है, इस समय में कोई मुद्दा ऐसा नहीं दिखता है। इस समय में आप ताना कसना, अटैक करना, काउंटर अटैक करना, तो मुद्दों से राजनीति में बाहर होके वो रिटोरिक और आपका रियल मतलब एक कीचड़ उछालना और इधर से उधर करना, इसमें आ गया है। मेघालय भी आ गया है, नागालैंड भी आ गया है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेघालय में अब लग रहा है जाके, क्योंकि परसों चुनाव है, तो सांगमा वर्सेस सांगमा होगा शायद। एक तो मुकुल सांगमा और मुकुल सांगमा, मुकुल सांगमा टीएमसी और जो वहां मौजूदा मुख्यमंत्री जी। हाँ, तो दोनों गारो हिल्स से आते हैं और गारो हिल्स जो पूरा रीजन है उसमें 24 एमएलए चुने जाते हैं, तो कोनराड भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और मुकुल भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें एक एक जो चीज दिख रहा है कि टीएमसी का एक चढ़ाव उठान उनका, क्योंकि टीएमसी पार्टी के बेसिस पे टीएमसी बहुत बड़ी पार्टी नहीं हुई है, उसमें बेसिकली लीडर्स के नाम पे ही हो रहा है, क्योंकि मुकुल सांगमा 2021 के चुनाव के समय कांग्रेस में थे और आप वहां से आके टीएमसी में आ गया। हालांकि इस समय कांग्रेस, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस शायद पिछले बार 20-21 सीट से इस बार शायद 5-6 या उससे भी नीचे सीट में समेट जाएगी। और हालांकि बीजेपी का जो दिख रहा है, बीजेपी अभी तक बीजेपी बहुत मेघालय की खासी और गारो लोगों की कोई रूटेड पार्टी दिख नहीं रही थी, क्योंकि बाहर से लोग आते, कल मोदी जी का वहां पर रैली हुआ, बहुत लोग थे, वो अलग चीज है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो फिर लोग देखने के लिए भी जाते हैं, उसका चुनाव का ग्राउंड में उसका रियलिटी इतना ज्यादा मतलब उसमें अंतर रहता है। तो बीजेपी लाखों कोशिशों के बावजूद, हमको मेरा ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि मेघालय की एक ग्राउंडेड और रूटेड पॉलिटिकल पार्टी के बतौर उभर नहीं पाया। अभी भी बीजेपी पोस्ट चुनाव के बाद भी अगर किसी के साथ जाना है तो फिर अलायंस में ही जाएगा। आपका असम में सिचुएशन अलग है, त्रिपुरा में सिचुएशन अलग था। त्रिपुरा में बीजेपी एक रूटेड पार्टी त्रिपुरा की बन गई थी, अभी भी है, इस बार भी है, इस बार भी चुनाव में वो लोग ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगे, असम में भी है, लेकिन मेघालय और नागालैंड में बीजेपी उस टाइप का रूटेड पार्टी नहीं बना कि हाँ मेघालय के लोग उसको करे कि हमारी पार्टी है, मतलब मेघालय की राजनीति की पार्टी है, ऐसा अभी तक हो नहीं पाया। हालांकि दूसरा एक चीज जो बीजेपी के पास है कि कोनराड सांगमा बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा फेस है मेघालय की राजनीति में, उसी तरफ आपका मुकुल सांगमा भी बहुत बड़ा फेस है मेघालय की राजनीति में। बीजेपी के पास ऐसा कोई बहुत बड़ा फेस नहीं है, 2 एमएलए था लास्ट बार, दोनों एमएलए है, लेकिन बहुत बड़ा इस टाइप का राजनीतिक नेता उन लोगों के पास वो भी नहीं है। अमित शाह जी आए थे, हेमंत विश्व भी गया था, सर्बानंद सोनोवाल आए थे, मोदी जी भी आए, लेकिन बीजेपी उस टाइप का हमको दिख नहीं रहा। हालांकि जो सिचुएशन अभी लग रहा है कि टीएमसी गारो हिल्स में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, गारो हिल्स का जो रीजन, और गारो हिल्स एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि 24 एमएलए वहां से चुने जाते हैं,
उसमें देखेंगे। और एक चीज मुकुल जी मैं बता देना चाहता हूँ लास्ट में कि मेघालय में आपका हमेशा जो नोटिस में रहता है ना, एथनिक पॉलिटिक्स, इंडिजिनियस पॉलिटिक्स, मेघालय के चुनाव में सभी पार्टी, वहाँ के जो लोकल पार्टी है, मान लीजिए यूडीपी है इस बार सरकार में एनपीपी के साथ, पीपीपी एक रीजनल वहाँ का लोकल पार्टी है, पीडीएफ, एचएसपीडीपी, सबके पार्टी में अगर चुनाव प्रचार देखेंगे तो इंडिजिनियस इश्यूज से बढ़कर जो वहाँ पर लग रहा था कि डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और करप्शन, ये तीन मुद्दे सबके उभर के आए। बीजेपी को भी करना पड़ा कि नए स्कीम का घोषणा करना पड़ा। जी मैं इंडिजिनिटी मुद्दों पर है। आऊंगा। मैं ये कह रहा था कि जब आपने कांग्रेस का भी प्रदर्शन की बात की पिछली बार, वो एक उसने बहुत अच्छा, 60 सीटों में से 21 सीटें, लगभग उस 21 सीटें उसके पास थी। तो क्या मुकुल संगमा कांग्रेस से टीएमसी में बदलने पर, मतलब मुकुल संगमा ही कांग्रेस से और मुकुल संगमा ही टीएमसी जो अब अच्छा प्रदर्शन कर सकती है उम्मीद की जा रही है, यही बस ट्रांजेक्शन हुआ है एक तरह से? मुकुल संगमा की वजह से कांग्रेस वहां थी और अब टीएमसी भी मुकुल संगमा पर ही निर्भर है, ये माना जाए। मतलब यह है कि मुकुल संगमा एक बहुत बड़ा फैक्टर तो था कि कांग्रेस छोड़ के आया, क्योंकि एक बहुत बड़ा लीडर आपका अगर पार्टी छोड़ देता है तो उसके साथ, उनके साथ पार्टी के और भी एक सेक्शन वहां से निकल जाते हैं, फिर डिफेक्शन होता है, वो सब तो हुआ था। लेकिन कांग्रेस का जो इंटरनल पॉलिटिक्स रहा पिछले 5 साल में, उस जो खाली हुआ था, खालीपन को भरने की कोई कोशिश या उनके उस टाइप से कोई और राजनीति तो में कोई स्टार तेजी लाना। कैंपेनर, बड़े लीडर सेंटर से यहां से पहुंचे कांग्रेस की तरफ से मेघालय में प्रचार के लिए, हाँ, राहुल गांधी भी पहुंचे। तो कैसा रेस्पॉन्स मिला उनकी रैलियों को? उसके रेस्पॉन्स भी ठीक है। देखिए, मेघालय में कांग्रेस का एक जमाने पे सरकार रही जी है, और कांग्रेस का बहुत बड़ा आपका संगठन भी रहा है। अभी भी कांग्रेस खत्म हो गया ऐसा नहीं, चुनाव की चीज में, क्योंकि मुकुल जी सब सब लोग जानते हैं कि 1% 2% अगर वोट टोटल इधर उधर हो गया तो आप 3, 4 या 10 सीट भी आप लूज कर सकते हैं। तो उस टाइप का एक मामला होगा, कांग्रेस खत्म हो गया ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार चुनाव में थोड़ा सा कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले बार से काफी वो होगा, निराशा हाँ, हालांकि उसको कांग्रेस लेकर। वाले कह सकते हैं कि यही 1-2% अगर उनके पक्ष में हो गया तो वो ठीक ठाक अचीव कर सकते हैं। हालांकि एक तो चीज है, पोस्ट जी चुनाव अगर आप कहेंगे तो कांग्रेस भी आपका मतलब बहुत ज्यादा सीट नहीं भी लाती है, लेकिन एक क्रिटिकल सीट लेके आती है। और आपका जो ये छोटे पार्टीज है, रीजनल लोकल पार्टीज है, उन लोगों का बीच में भी एक कोलिशन बन सकता है, हाँ, बीजेपी और ये एक एनपीपी संभावनाएं को हैं। संभावना। तो जैसे मैं कहता हूं, पूर्वोत्तर की राजनीति तो हमें जाननी ही चाहिए, लेकिन उत्तर भारतीय दर्शकों की रुचि बीजेपी कांग्रेस इसमें ज्यादा रहती है। तो कांग्रेस की बात की हमने, बीजेपी की भी हमने बात की। तो बीजेपी तो अब हम देखते हैं उत्तर भारत में, जैसे अभी एक ये बड़ा नया मतलब लोगों को ये बात पता चली और सामने आई कि वहां वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम बीफ खाते हैं, बीजेपी के नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके और नेता, और कहते हैं हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके बरक्स वो उत्तर भारत में, हरियाणा में गौ मांस के लिए हत्या तक कर दी जाती है, लिंचिंग हत्या तक, उसकी करती है। हाँ, अफवाह फैलाकर हत्या कर दी जाती है, उसके बहाने हत्या कर दी जाती है, गौ रक्षा के नाम पर मतलब गौ गुंडे एक तरह से सक्रिय हो गए हैं। तो बीफ को लेकर बीजेपी का जो काडर है वहां और यहाँ, वहां किस तरह की एक प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, मेघालय, नागालैंड, आपका मणिपुर, ये सब जगह पे अगर बीफ के खिलाफ कुछ बोलेंगे बीजेपी तो वो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। तो उस राजनीतिक मुद्दे से वो लोग राजनीति से बाहर भी हो सकते हैं कोई ना कोई, क्योंकि बीफ का मीट इस सब राज्यों में आपका आपका स्टेपल जैसा है। आप मणिपुर में जाएंगे, आप मतलब नागालैंड के बहुत इंटीरियर और ऊंचाई में अगर जाएंगे, मुकुल जी, नागालैंड में मामला ये होता है कि नागा जो हिल रीजन है ना, नागा के जो और भी बहुत सारे ट्राइब्स है, बहुत सारे ट्राइब्स एकदम अप हिल्स मतलब पहाड़ के एकदम ऊपर रहने के लिए भी कोई कोई होते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा खेती बाड़ी नहीं होता है, तो उन लोगों का जो स्टेपल फूड होता है वो आपका नॉन वेजिटेरियन ही होता है, और वहां पर सर्दी भी काफी होती है। तो फिर ये लोग बीफ का मांस आपका सुखा के रखना, वो एक ट्रेडिशन है नागालैंड में। मणिपुर में भी इक्वली है। आप अगर शिलोंग में जाएंगे, शिलोंग का जो पुलिस बाजार है, जो सबसे बड़ा बाजार है शिलोंग सिटी में, तो वहां पर जाएंगे एक ही मीट शॉप में आपका वहां पर पोर्क भी मिल रहा है और बीफ भी मिल रहा है।
तो वहां पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेट उस टाइप से कर देंगे तो फिर वहां पर राजनीति से तो जाएगा, कुल मतलब मिलाकर राजनीति ये का। माना जाए और हमारे उत्तर भारत के दर्शक भी ये सुन लें कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, जहां उन्हें सहूलियत है हाँ वहां वो उसे कहते हैं सपोर्ट करते हैं, जहां हाँ उन्हें सहूलियत नहीं और लगता है कि इसके मार्फत हम ध्रुवीकरण कर सकते हैं वहां वो उसका कर विरोध सकते करते हैं। हैं। अब इसका कोई बीजेपी धर्म का से, आस्था से, कोई मान्यता लेना कुछ से ये कुछ लेना देना नहीं है, ये नहीं, सिर्फ एक एक राजनीतिक मुद्दा है बीजेपी के लिए। बिल्कुल। अब तो आप चलिए अब बीजेपी हम का राजनीति से आगे बढ़ें। इस दौरान ये जो पूरा चुनाव प्रचार चला, उसमें अब राजनीतिक दलों, जैसे आपने कहा, आप तो एक दूसरे पर कीचड़ और उछालने वाला मसला आ गया, हाँ लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र, लोगों की मांग, तो कौन सा मुद्दा बनता दिख रहा है, क्या मूड बनता दिख रहा है लोगों का, वहां सबसे बड़े मुद्दे जिन पर जनता वोट करने जा रही है, वो क्या देख रहे हैं आप? आप मेघालय में एक प्रोमिनेंट मुद्दा आपका करप्शन बना हुआ है, करप्शन का एक है स्कैम्स और ये सब चीजें हैं, क्योंकि मुकुल संगमा बार बार अपने इलेक्शन रैली में कॉनराड संगमा को अटैक कर रहा है कि ये सब स्कैम के बारे में क्या हुआ, मतलब एक आध, हालांकि पता नहीं वो सब स्कैम कितना सही है क्या नहीं, वो हम उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन वो एक इश्यू है। फिर कह रहे थे आपने ये वो किया था, ये वादा किया था, ये वादा हुआ क्या, उस वादे में एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट ये सब का इशू दिख रहा है। और आपका अगर बीजेपी का देखेंगे तो बीजेपी ने नए नए स्कीम्स की वहां पर घोषणा करना पड़ा कि फ्रीबीज का भी कुछ कुछ स्कीम वहां पर प्रपोज किया है बीजेपी ने। तो कॉनराड संगमा क्योंकि वो सरकार में है, तो सरकार में जो रहती है पार्टी उसको करप्शन का चीजें डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, या तो वो करेंगे। हालांकि कॉनराड संगमा की तरफ से भी एनपीपी का पार्टी प्रचार में भी हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट का ही इशू वो ज्यादा कह रहे हैं। यही एक एक चीज दिख रहा था कि लोकल पार्टी जैसे पीपीपी हो गया, यूडीपी, पीडीएफ, एचएसपीडीबी, ये सब छोटे छोटे मेघालय की लोकल पार्टी, कहीं और नहीं। एनपीपी लोकल पार्टी नहीं कर कह सकते क्योंकि ये नेशनल उनका एक नाम भी है, वो लोग चाहते भी है। तो ये सब छोटे रीजनल लोकल पार्टीज भी अब देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू बना हुआ है, यहाँ पर करप्शन एक बड़ा इशू बना हुआ है, और आपका ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट भी एक बड़ा इशू बना है। इन तीन मुद्दे हमको दिख रहा है कि इंडिजेनिटी और आपका इंडिजेनियस पॉलिटिक्स और एथनिक पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स से ऊपर मतलब ज्यादा प्रभावी होने जा रहा है ऐसा दिखता है। हालांकि नीचे के लेवल पे डायनेमिक्स आपका एथनिसिटी और इंडिजेनियस इश्यूज रहेंगे, वो सब डायनेमिक्स रहेगा, लेकिन मोटे तौर पे ये सब इश्यूज मेघालय के पॉलिटिक्स में इस बार साफ नजर आ रहे हैं। और नागालैंड और नागालैंड में देखिए, नागालैंड में कल मोदी जी गए थे और उनके भाषण में जो रैली में जो कहा कि कांग्रेस एक्चुअली दिल्ली से चला रहे थे नागालैंड को, और कांग्रेस जो है नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस उसमें कर रहे थे, एटीएम की तरह यूज कर रहे थे, ये बड़ा स्टेटमेंट रहा। मतलब जो मोदी जी पर आरोप लगता है, जो बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो दिल्ली से, सेंटर से दो लोग, पलट खासतौर से एक ही जाओ लोग, नरेंद्र मोदी पूरी सरकार को और उसको चला रहे हैं, देश को, वही वो बात कांग्रेस के लिए कह रहे उसको ही ठोक देना होता है, तो हैं। वो पहला बहुत बड़ा है। अब मामला ये है, इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे मेघालय में, हालांकि नागालैंड में कांग्रेस है इस बार, कांग्रेस सीरियसली शायद कांग्रेस इस बार में बेहतर प्रदर्शन लेके आए इस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस दिख रही है चुनाव में, ग्राउंड में दिख रही है। मेघालय में कांग्रेस बहुत वो हो गया, सीमित हो गया। वहां पर भी आके अगर देखेंगे मोदी जी कांग्रेस के ऊपर अटैक करना नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उसमें करना और नागालैंड में भी जाके पहला ही चीज वो करना अटैक करना, और उसके बाद आपका जो पार्क्स और चीजें है नागालैंड में भी वो कर रहे हैं। और दूसरा ये चीज है कि नागालैंड में भी आपका हिल्स वर्सेस आपका प्लेन्स, वो इशू भी जो जिसके बल बीजेपी एक्चुअली 2018 में उसका एक इशू बना के बीजेपी नागालैंड के पॉलिटिक्स में घुस पाई थी, वो भी चीजें इस बार मतलब आ रहा है कि क्योंकि डेवलपमेंट प्लेन्स की ट्राइब्स में ज्यादा होता है, हिल्स में नहीं होता है, क्योंकि इबोबी सिंह जो मणिपुर ने क्या नाम है नागालैंड का इससे पहले का जो वो था ना चीफ मिनिस्टर, वहाँ का भी उनके ऊपर भी एलिगेशन था कि उन्होंने ऐसा कुछ कुछ पॉलिसीज लाया कि आपका प्लेन्स
बेहतर है, मतलब डेवलप है और हिल्स में, तो ये भी एक इश्यूज उभर के आ रहा है। लेकिन हालांकि ये सब के इश्यूज से हमको नागालैंड में आपका मोस्टली बीजेपी का बहुत बड़ा बड़ा वही है, कैंपेनिंग का बहुत एक तो कुल क्या कहें। मिलाकर अभी वैसे चाहे वो त्रिपुरा हमने देखा, त्रिपुरा में तो कानून व्यवस्था लोकतंत्र की बहाली एक बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा, मेघालय और नागालैंड में भी बेरोजगारी और हाँ ये विकास दोनों यही दोनों सब टच कुछ मुद्दे हैं, और भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है जिसे उत्तर भारत के लोग अब भूल गए हैं। पहले वो जन लोकपाल के लिए सड़कों पर थे, लगता था उसके बिना देश का काम ही नहीं चलेगा, अब उसे नहीं, भुला मेघालय दिया में एक गया है, बार करप्शन लेकिन वो एक है। बड़ा मुद्दा है और रहा है और अभी कायम है भ्रष्टाचार, हालांकि अब उस पर बात कम होती है। तो खैर संदीपन जी, अब जनता वोट के लिए जा रही है, सोमवार को वोट है, फिर 2 मार्च को काउंटिंग है, मतगणना है, और इस दौरान हम आपसे बात करेंगे और उस क्या कुछ रिजल्ट नतीजे हमारे सामने आएंगे देखेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि संदीपन से हमने बात की, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, सभी जगह महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, ये इशू हैं, भ्रष्टाचार भी एक इशू है। अब 27 को वोट होना है, त्रिपुरा में पहले ही वोट हो चुका है, तीनों राज्यों की काउंटिंग, तीनों राज्यों की मतगणना 2 मार्च को होगी। हम उसका हाल लेकर, हम उसकी नतीजे लेकर आपके सामने फिर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी पत्रकारिता को समर्थन दीजिए, न्यूज़ क्लिक वेबसाइट को पढ़िए, पढ़ाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।